अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशन। मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा हद तक वेट कम करने, वज़न कम करने पे फिक्सेट हो चुके हैं। उनको और कुछ नहीं दिखता, कुछ नज़र नहीं आता, पावे आपकी सेहत जैसी तैसी भी हो जाए, भाड़ में जाए सेहत, मेरा वज़न कम होना चाहिए। इतना ज़्यादा इस किस्म के रोल मॉडल्स बन गए हैं, जो एक्ट्रेसेस मॉडल्स वगैरह, जो कि रियलिस्टिक नहीं है उनको फॉलो करना, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वैसे बन जाएं और भाड़ में जाए। अगर सेहत की बात करो तो कहते हैं नहीं नहीं बस वज़न कम होना चाहिए, मतलब सोचते भी नहीं है। वज़न कम करने की बात होती है तो सोचते भी नहीं है कि मैंने ये अपने अपनी सेहत का भी कुछ सोचना है कि नहीं, मैं सिर्फ बनाना डाइट ले लूँ तो मेरी सेहत का क्या होगा यार। नहीं, बस वज़न कम होना चाहिए, वज़न कम होना चाहिए, सेहत मेरी कुएं में चली जाए। वज़न कम होना चाहिए, मेरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज गाड़ी के नीचे आ जाएं। वज़न कम होना चाहिए, चाहे मैं बिल्कुल लेथर्जिक एनर्जी से बेहाल पड़ी हूँ, वज़न कम हो जाए, बेशक मेरे बाल झड़ जाएं, नाखून कच्चे हो जाएं, बस वज़न कम होना चाहिए। प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। सेहत का सोचें पहले, सेहत का सोचें। वज़न ऊपर नीचे, अगर आपकी वज़न की वजह से सेहत ख़राब हुई तो येस यू नीड टू डू इट, अदरवाइज यू नो इफ़ यू आर एनर्जेटिक, यू नो यू आर ईटिंग वेल, खैर है, डजेंट मैटर, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये मैंने कैसे रियलाइज़ की ये बात, मैंने बड़ी मेहनत से एक ब्लॉग लिखी बैठ के, मैंने कहा लोगों को बताती हूँ कि हेल्थ को बेहतर करने के लिए ऐसी कौन सी डाइट होनी चाहिए। ब्लॉग मैंने बनाया, लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक ग्रुप पे 500,000 लोग हैं, 7-8 लाइक्स, पता नहीं वो देखा भी है, पढ़ा भी है कि नहीं, वो 7-8 लाइक्स वालों ने भी। ग्रुप जो फेसबुक पेज है वो 200,000 से ज़्यादा लोग हैं, उसमें भी मेरा ख्याल है कोई 6-7 लाइक्स थे, आई एम नॉट श्योर कि देव रेड इट और नॉट। इंस्टाग्राम पे 100,000 फॉलोअर्स हैं, 17 लाइक्स, और वो भी उन्होंने पढ़ा है कि नहीं, और 17 लाइक्स, और वो भी मोस्ट ऑफ देम वर डाइटिशियंस। यानी कि अगर मैं लिखती इस हेल्थ प्रमोटिंग डाइट्स की वजह से की जगह लिखती कि पतली पतंग बनने की डाइट बाढ़ में जाए सेहत, यू नो, फिर आप देखते कि इसकी कितनी, ये कितनी 100,000 दफ़ा तो शेयर हो चुकी होती। वो सब फोकस ये होता है कि मैं फलानी डाइट कर लूँ, फलानी डाइट कर लूँ। हाँ जी, फलानी 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 डाइट कर लो भाई, तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन जो है ना तुम्हारी जो सेहत है ना वो कुएं में चली जाएगी, जो तुम्हारी जो एनर्जी है ना वो गाड़ी के नीचे आ जाएगी। तो प्लीज़ मैं फिर भी लिखती रहूँगी ऐसी पोस्ट्स, मैं फिर भी ऐसे ब्लॉग्स लिखती रहूँगी, वीडियोस भी वीडियोस ही बनाऊँगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अच्छा, और एक और जाते जाते एक और बात कहती चलूँ कि चले फिर कभी अपना बहुत ख्याल रखें। रिमेंबर गाइज, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। अल्लाह।